मुकाबला नहीं हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम करेंट्री कर 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 के अंदर है, स्टाफ है। इनके दरमियान मदरी चैनल की रिपोर्टिंग का सिलसिला है आपने हमारे साथ रहना है आइए हम मुकाबले की तरफ बढ़ते हैं आप, मुकाबले की तरफ बढ़े इससे पहले हमारे साथ नाथ खा इस्लामी भाई है नाज शरीफ सुनते हैं सली कया रसूल्ला वसलमया हबी अल्लाह ए का शब्ल में मदीने की गली हो काश में मदीने की गली हो या दे मोहम्मद की मेरे दिल में बसी हो दो सो दर्द दिन सा दो सो से मिला लर्द दिन सावे से करनी हो

मु साफ फेड़ो तिहु मितुम्बारा हो होते सब में मदीने की गली हो रे आ ये मेरे दिल में बसी हो माशा आप... हमारे साथ हमारे निगरान मौजूद हैं। शेर साइट एरिया में दीनी काम का स्ट्रक्चर क्या है आइए हम मालूम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अलहमदल्लाजल दावत इस्लामी का शेर शाह साइट एरिया में मदरी कामों का अल्हम्दुलिल्लाह सिलसिला जारी और सारी है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ मदरसतुल मदीना बालिगान का सिलसिला होता है जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामी भाइयों को मदरसे में पढ़ाया जाता है और अलहद हर फैक्ट्री के अंदर भी जाकर मदरसलमदीना बालिगान का सिलसिला होता है एक अजमात में शिरकत का सिलसिला है मदरी मुजाकरों में शिरकत का सिलसिला है मसाजिदों में दरसों का सिलसिला है इस्लामी भाईयों को फजर के लिए जगाने का सिलसिला है और फजर के बाद माशा कुरान की तफसीर का सिलसिला मसाजिदों में जारी है अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह हमारे दीनी काम बढ़ते रहते हैं और इस्लामी भाई हमारे माशा खूब बढ़ चढ़ कर दीनी कामों का सिलसिला करते रहते हैं माशा ताहिर भाई मुझे ये बताइएगा कि अगर फैक्ट्री ओनर्स अपनी लेबर को या खुद मदरसा पढ़ाने के लिए अगर कोई ख्वाहिश हो तो क्या हम इसको इमाम प्रोवाइड भी कर दें जी जी अलहमदिल्ला हमारे यहाँ मौलमीन भी हैं जो कि स्लाइम भाई को मदरसा पढ़ाते हैं और अलहमदुल्ल हमारे यहाँ नमाज़ के लिए इमाम का भी सिलसिला है तो जैसे जिसको जरूरत तो देते माशाराला, माशाराला, बस से रहे हैं मदरी के आपने साथ रहना है आइए हम मुकाबले की तरफ बढ़ते हैं तबारक ने इशाद फरमाया जो शख्स नबी करीम सल है दरुदा पहाड़ भी करीम सलमते हैं तबारक नेरीफ पढ़ने का दुरुदरीफ के फजाइल बयान की जाएंगे हमारे हाजरीन में से दो कंटेस्टेंट्स के दरमियान मुकाबला होगा आइए हम अपने हाजरीन की तरफ बढ़ते हैं नाम पूछते हैं और क्या मसरूफियत है मेरा नाम मोहम्मद अना सत्तारी है मेरी मसरूफियत ओनर की जी जिस फैक्ट्री के अंदर मदरी जनरल की रिकॉर्डिंग का सिलसिला है हमारे ऑनर अब्दुल बासित भाई अनस भाई अल्लाह नजर बस महफूज फरमाए एक और इस्लामी भाई की तरफ बढ़ते हैं नाम पूछते हैं और क्या मसरूबी है मैं जामत मदीना का तालब इम हूँ और मैं अपना कारोबार भी करता हूँ जी हमारे साथ अली भाई हैं, है मदीना के स्टूडेंट हैं हमारे साथ अनस भाई हैं दोनों के मुकाबला हो रहा है। नबी जिसने मुझ पर एक मरतबा दरूद पाक पढ़ा अल्लाह तबारक उस पर दस रहमत नाजिल फरमाएगा नबी करीम सल्लाम पर दरूद भेजना पर नूर हो जाएगा दरूद पढ़ने वाला अल्लाह करीम का महबूब बन जाता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दिल में बैठ जाती है शरीफ से हर गम दूर कर दिया जाता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजना दुनिया और आखिरत के अजाब से नजात का जरिया है दुरूद शरीफ पढ़ने वाले को इंशा अल्लाह अज़्ज़ा वजल कब्र और शाहर में नबी करीम सल्लल्लाहु सल अलैहि वसल्लम का साथ नसीब होगा नबी करीम गुना की बख्शिश का सबब बनता है दुरुशरी की शफायत नसीब होगी दुरुशरीफ पढ़ने वाला क्यामत के दिन अंबिया सिद्दीक शहदा और साल के साथ होगा दुरुशरीफ की सबसे बड़ी फजीलत और खसूसियत यह है कि कसरत से दरुद्लाम पढ़ने वाले को ख्वाब में

जी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि पर शरीफ भेजना पुलसरात पर नूर हो जाएगा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दूध भेजना गुनाहों की बख्शिश का सबब बनता है नबी करीम वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ने से तमाम गम दूर हो जाते हैं अल्लाह दुरूद शरीफ पढ़ने वालों को नबी करीम वसल्लम की शफात नसीब होगी दुरूद शरीफ पढ़ने से नबी करीम वसल्लम की मोहब्बत दिल में बैठ जाती है अल्लाह दुरूद शरीफ पढ़ने वाला क़यामत के दिन अम्बिया में होगा जी दुरूद शरीफ पढ़ने वाला क़यामत के दिन अम्बिया सिद्दीकीन शहदा और सालकिन के साथ होगा एक एक पॉइंट बाकी है अनस भाई का अली भाई का देखते हैं कि वो क्या जवाब देते हैं शरीफ पढ़ने से वो अल्लाह ताला का महबूब बंदा बन जाता है अल्लाह सबसे बड़ी फजीलत यह है कि दुरूद शरीफ पढ़ने वाले को हालत बेदारी और ख्वाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार होगा शरीफ की सबसे बड़ी फजीलत और खसूसियत यह है कि कसरत और सलाम पढ़ने वाले को ख्वाब में या हालत बेदारी में नबी करीम वसल्लम का दीदार नसीब होगा हमारे साथ अली भाई अनस भाई ये दोनों बहुत अच्छे अंदाज से मुकाबला जीत चुके हैं जी अली भाई को और अनस भाई को तोहफे दिए जा रहे हैं एक तोहफा दिया जा रहा है एक इतर एक मिसवाक और एक तस्बी और हमारे अली भाई को भी तोहफा दिया जा रहा है और एक मिसबाक एक इतर और एक तस्वीर मदनी चैनल के नाजरीन आपने हमारे साथ रहना रहने मदरी चैनल के नाजरीन हमारे साथ फैक्ट्री ओनर्स भी मौजूद हैं स्टाफ भी हैं इनकी तरफ बढ़ते हैं इनसे गुफ्तु करते हैं हमारे मदरी चैनल के नाजरीन को अगर कोई पैगाम देना चाहे मेरा नाम मोहम्मद अदनान है और मैं एक अपना बिजनेस करता हूं हम लोग मदनी चैनल देखते हैं तो उससे हमें घर बैठे बहुत सी मालूम हासिल होती है हमारे बच्चों को हमें हमारे बड़ों को जिससे हम लोग बहुत ज़्यादा मुतासर हुए हैं और हम लोग हर रोज़ाना ही मदनी चैनल के ऊपर देखने को तरजीह देते हैं तो आप सबसे भी गुजारिश है कि मदनी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा देखें जिससे आपको मालूम में इजाफा होगा आपके इलम में इजाफ़ा होगा अल्लाह पाक हम सब अच्छे काम करने की तोफ़ी का ताफ़रमाएँ जी हमारे साथ अदनान भाई हैं खुद है, है हमारे साथ, हमारे भाई, ताजरान के जिम्मेदार हैं इनकी तरफ बढ़ते हैं कि है। ताजरान में किस अंदाज से यहाँ काम किया जाता है आइए हम, हम अपने अखलाक भाई की तरफ बढ़ते हैं वाले ताजरान पर जिम्मेदारी है फैक्ट्रियों में जाकर जो ताजरान फैक्ट्री ऑनर है उनको अलहमदिल्ला फैजान मंदिर ले जाना विजिट करवाना काफिलों में भी सफर करवाते हैं ताजरान को अल्लाह का करम है जैसे जैसे अलहमद हमें बारह दिनी कामों का बताया गया उस तरह जैसे जैसे हमारी तरक्की बनती है उस पर कोशिश करते, करते हैं उनको भी अमल करवाते हैं और ख़ुद भी अमल करते हैं अलहदुल्लाक भाई हमारे अगर यहाँ ताजिर ऑनर जहाँ मौजूद हैं अगर वो आपका टीम का हिस्सा बनना चाहें इनशा अगर कुछ करना चाहे तो हम उनसे बिल्कुल तामन करने के लिए तैयार हैं जाने के लिए तैयार हैं और बिल्कुल इनशाला ये काम माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे साथ एक और शहबाज भाई हैं अगर शहबाज भाई अगर हमारे मदरी चैनल के नाजरीन को अगर कोई पैगाम देना चाहें असल वरम्ह वरकुम मेरा नाम शहबाज अहमद है और डिस्ट्रीब्यूशन है मेरे पास कॉस्मेटिक्स की तो मेरा एक छोटा सा पैगाम है फैक्ट्री ओनर्स के लिए कि जहाँ आप इतना माशाल्लाह से अल्लाह ताला ने आपको नवाज़ा है तो उसमें अगर आप जैसे आपके मुलाजमीन हैं अगर वो बाजवा मैंने देखा जाता है कि फैक्ट्रियों में अगर वो कोई नमाज की तरफ़ चला गया नमाज़ पढ़ने की तरफ़ या किसी दीनी काम में उसके दो चार पाँच मिनट लगा दिए तो फैक्ट्री ऑनर उसका बुरा मना मान जाते हैं तो मैं उनसे ये गुजारिश करूँगा कि इससे जो है ना आपके इन शाला तला अल्लाह तला, तला आपके कारोबार में बरकत डालेंगे कम नहीं होगा आपकी रोज़ी तो उनको थोड़ा सा रिलीफ दे दीजिए कीजिए ताकि तब वो जो है ना खुशसलूबी से अपने जो है ना दिन काम में या इबादत जो है वो कर सके माशार ला, माशार ला, भाई का मुकाबले अगर 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 तो की तरफ बढ़ते हैं जहन्नम की गहराई खुदा ही जाने की कितनी गहराई है पत्थर की चट्टान को जहन्नम के किनारे से फेंकी जाए तो सत्तर बरस तक तक ना पहुंचेगी ये जो दुनिया की आग है उस आग के सत्तर जुजों में से एक जुज है मेरा नाम मोहम्मद इकबाल अतारी है मेरी दुकान पर मसरूफियत है जी हमारे साथ इकबाल भाई है एक और इस्लामी भाई की तरफ बढ़ते हैं नाम पूछते हैं और क्या मसरूफियत है Wa 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 मैं अब्दुल जावेद हूं और मैं इस का हूं. जी हमारे साथ हैं जिस जगह यहाँ रिकॉर्डिंग का सिलसिला है इनके ऑनर भी हैं अल्लाह नजरे बरमाए पुरान मजीद में बकसरत इर्शाद हुआ जहनम से बचो दो से डरो पाक में है कि जो बंदा जहन्नम से पना मांगता है जहन्नम कहता है रब ये मुझसे पना मांगता है तो उसको पना दे जहनम के दारोगा हजरत सईदना मालिक अलैहिस्सलाम है जहनम का इहाता एक दीवार से दूसरी दीवार तक का फासला चालीस साल की मुसाफत होगा आदमी और पत्थर इसका ईंधन है ये दुनिया की आग खुदा से दुआ करती है कि इसे जहन्नम में फिर ना ले जाए जहन्नम में मुख्तलिफ तबकात और वादियां और कुएं हैं बाज ऐसी हैं कि जहनम भी ये रोज सत्तर मरतबा या ज्यादा उनसे पना मांगता है जहनमियों के बदन से जो पीप बहेगी वो पिलाई जाएगी जहनमी अजाब से तंग आकर मौत की तलब करेंगे लेकिन इन्हें मौत नहीं आएगी जहनम से काफिरों मुशों

जन्नम कहता है मुझसे हैनाह मांगता है तो इसको पना दे ऐसी कि जहन्नम हर रोज मरतबा या ज्यादा उनसे पनाह मांगता है जी, जहन्नम के दारों का हजरत सैदुना मालिक सलाम है जी, के बदन से जो पीप बहेगी वो पिलाई जाएगी अलमान जी इकबाल भाई जन्नम का एताता एक दीवार से दूसरी दीवार तक का फासला चालीस साल की मुसाफत होगा अल्लाह जी अब्दुल भाई। जहन्नमी अजाब से तंग आकर मौत की तलब करेंगे लेकिन उन्हें मौत नहीं होगी जी आदमी और पत्थर इसका ईंधन है जी अब्दुल बासित भाई जहन्नम में काफिरों और को लोहे के गुर्जों से मारने का अजाब भी होगा हमारे साथ अनस भाई भाई अब्दुल हैं दोनों का एक एक बाकी है। देखते हैं कि वो क्या देते हैं। ये दुनिया की आग अल्लाहत से दुआ करती है कि इसे जन्नम में फिर न ले जाया जाए अब्दुल बासिद भाई जहन्नम को देखते ही काफरों के चेहरे कालेसिया हो जाते हैं जी जहन्नम को देखते ही काफिरों के चेहरे काले सिया हो जाते हैं हमारे साथ इकबाल भाई और अब्दुल बासित भाई हैं ये दोनों बहुत अच्छे अंदाज से मुकाबला जीत चुके हैं जी हमारे इकबाल भाई और अनस भाई को तोहफा दिया जा रहा है इकबाल भाई माशाल्लाह और एक तस्वीर इतर और मिसवाक माशा और हमारे अब्दुल बासित भाई जो इस फैक्ट्री के ओनर है इन्होंने इतना खूबसूरत माशाला यहाँ एहतम रखा अल्लाह नजर बस महफूज फरमाए एक तोहफा दिया जा रहा है एक मिसवाक एक इतर और एक मदरी के मुकाबले की तरफ बढ़ते हैं है फरमाया करती है आंखों का बदकारी देखना भी है आला हजरत रहरमाते हैं कि सबसे पहले आंखें बेगती हैं फिर दिल बेगता है फिर शर्मगा बेग जाती है फिर बंदा गुना में बर जाता है बदनिगाई और इसके नुकसान बयान की जाएंगे हमारे हाजरीन में से दो कंटेस्टेंट्स के दरमियान मुकाबला होगा इनकी तरफ बढ़ते हैं इनसे नाम पूछते हैं और क्या मसरूफियत है थे? मेरा नाम मोहम्मद हाशिर है और मेरी मसरूफियत दुकान में काम करता हूँ हमारे साथ एक और कंटेस्टेंट है इनकी तरफ बढ़ते हैं السلام, मेरा नाम खिजर यूसुफ अतारी है और मेरी कंपनी में मसरूफियात होती है हमारे साथ हाशिद भाई हमारे साथ हैं दोनों के दरमियान मुकाबला हो रहा है निगाही और उसके नुकसान बयान किए जाएंगे दिन इस्लाम जहां औरतों को पर्दे का हुक्म दिया वहीं मर्दों को भी अपनी नजरें नीचे रखने का फरमाया ताकि वो बद निगाही से बच सके नबी करीम सल्लाम ने फरमाया आदमी अपने तमाम हवा से जिना करता है और फरमाया देखना आखों का जिना है सही इमाम मोहम्मद बिन मोहम्मद गजाली रहमा फरमाते हैं जो आदमी अपनी आंखों को बंद करने पर कादिर नहीं होता वो अपनी शर्मगा की भी हिफाजत नहीं कर सकता हजरत ईसा अजर से मनकूल है कि खुद को बदनिगाही से बचाओ क्योंकि बदनिगाही दिल में शहवत का बीज बोती है फिर शहवत बदनिगाही करने वाले को फितने में मुबतला कर देती है आज लोग कहते हैं कि दिल का पर्दा होना चाहिए ये तस्वुर गलत है बल्कि असल तो ये आंखें हैं जो बदनिगाही का सबब बनती हैं इंसान बदनिगाही से बदकारी तक पहुंच जाता है बदनजरी से मसाने कमजोर हो जाते हैं बदनिगाही से दिमाग भी कमजोर होना शुरू हो जाता है बदनिगाही माशरती सतह पर लड़ाई झगड़ा फितना और फसाद पैदा करने का सबसे बड़ा जरिया है बदनिगाही से ख्यालात गंदे हो जाते हैं इसकी वजह से किसी काम में दिल नहीं लगता बदनिगाही से गुस्से में इजाफा और नींद कम हो जाती है। बदनिगाही करने वाला यूं अपना बनाए कि अगर कोई दूसरा इसी तरह बुरी निगाह से मेरे घर के औरतों को देखे तो क्या महसूस होगा बदनिगाही करने वाले को चाहिए कि आखिरत की अजाब और अल्लाह तबारक की नाराजगी को याद करें औरतों को चाहिए कि शरीयत के हुक्म के मुताबिक पर्दा करें और जब कोई खास शरि जरूरत हो तब घर से बाहर आए मर्दों को चाहिए कि शरीयत के हुकुम के हुकुम मुताबिक अपनी नजरें नीचे रखें जी हाशिर भाई दीन इस्लाम ने जहां औरतों को पर्दे का हुक्म दिया वहीं मर्दों को अपनी नजरें नीचे रखने का हुक्म दिया ताकि वो बदनिगाही से बच सके बदनिगाहीशरती सतह पर लड़ाई झगड़ा फतना और फसाद का बड़ा सबब बनता है नबी करीम सल्लाम ने फरमाया आदमी अपने तमाम हवा से जिना करता है और फरमाया देखना आंखों का जिना है बदनिगाही से ख्याल हैं। सैयदना इमाम मोहम्मद बिन मोहम्मद गजाली रहमा फरमाते हैं कि जो आदमी अपनी आंखों को बंद करने पर कादिर नहीं हो सकता वो अपनी शर्मगा की हिफाजत नहीं कर सकता इसकी वजह से किसी काम में दिल नहीं लगता हजरत सईदना ईसा सलाम से मनकूल है कि बदनिगाही से दिल में शहवत का बीज बोती है और फिर शहवत बदनिगाही करने वाले को बदकारी की तरफ पहुंचा देती है सहीदना ईसा सलाम से मनकूल है कि खुद को बदनिगाही से बचाओ क्योंकि बदनिगाही दिल में शहवत का बीज बोती है फिर शहवत बदनिगाही करने वाले को फितने में मुबतला कर देती है जी खिजर भाई बदनिगाही से गुस्से में इजाफा और नींद में कमी आती है आज लोग कहते हैं कि जी पर्दा दिल का होता है हालांकि ये गलत है। असल में आंखें ही हैं जो बदनिगाही में मुबतला करती है बदनिगाही करने वाला यूं अपना जहन बनाए कि अगर कोई दूसरा बुरी निगाह से उसके घर की औरतों को देखे तो उस पर क्या महसूस होगा इंसान बदनिगाही से बदकारी तक पहुंचता है बदनिगाही करने वाले को चाहिए कि आखिरत के अजाब और अल्लाह की नाराजगी को याद रखे जी हाशिर भाई बद नजरी से मसाना कमजोर होता है जी खिज़र भाई औरतों को चाहिए कि शरीयत के हुक्म के मुताबिक पर्दा करें और जबकि खास शर्य ज़रूरत हो तो घर से बाहर निकलें जी हमारे साथ हाशिरफ भाई और खिज़र भाई हैं दोनों का एक एक पॉइंट बाकी है देखते हैं कि वो क्या जवाब देते हैं बदनिगाही से दिमाग कमजोर होना शुरू हो जाता है जी मर्दों को चाहिए कि शरीयत के हुक्म के, के मुताबिक अपनी निगाह नीचे रखें। जी मर्दों को चाहिए कि शरीयत के हुक्म के, के मुताबिक अपनी निगाहें नीचे रखें। हमारे साथ खिजर भाई हाशिर भाई ये दोनों बहुत अच्छे अंदाज से मुकाबला जीत चुके हैं theology. जी हमारे साथ हाशिर भाई हैं, इनको एक तोहफा दिया जा रहा है और हमारे खिजर भाई को भी एक तोहफा दिया जा रहा है और एक विस्वाक एक, एक तस्वीर दी जा रही है मदरी चैनल के नाजरीन आइए हम अपने हाजरीन की तरफ बढ़ते हैं फिर हम अपना प्रोग्राम इखदाम करते हैं मदरी चैनल के नाजरीन हमारे साथ हमारे फैक्ट्री ऑनर्स और स्टाफ मौजूद हैं इनके दरमियान मीठी मीठी गुफ्तु करते हैं मदिनी शरीफ की हाजिरी पे कुछ बातचीत करते हैं हमारे साथ अखलाक भाई हैं अखलाक भाई हमारे मदरी चैनल के नाजरीन को बताएंगे कोई मदीन शरीफ की हाजरी का कोई, कोई वाकया रब का बड़ा करम है मदीन शरीफ की हाजिर में ही दुआएं मांगते रहे अल्लाह हमें मदीन शरीफ में बारिश का सिलसिला देखने को मिले और अलहमदिल्ला तेरह दिन हाँ मदीन शरीफ में रोज़ाना असरदा मगैब बारिश का सिलसिला जारी रहा और हम देखते रहे जी अलहमदुल्ल हमारे साथ अली भाई है अली भाई की तरफ बढ़ते हैं मेरा आखिरी दिन था मैंने जन्तुल्बकी की जिदारत नहीं की थी तो मैंने आप की बारगर में कहा कि मैं यहाँ पर आया हूँ और मैं जन्नतलबकी में हाजिरी नहीं हो तो रात को मेरी फ्लाइट थी तो असर की नमाज के बाद वहाँ पर जनाजा हो गया और बकी का दरवाजा खुल गया तो मुझे, मुझे जनतुल्बकी नसीब हो गई की सुबह जल्दी खुलता था साढ़े सात बजे तो मैंने कहा रात को मेरी फ्लाइट जी तो वहाँ पर असर की नमाज के बाद जनाजा हुआ तो तदफीन के लिए गेट खुला तो मेरी हाजिरी हो गई क्या बात है साथ बासित भाई इस फैक्ट्री के ओनर हैं इनके वाल साहिब मरूम हाजी मोहम्मद जावेद शिवानी अल्लाह इनकी मकफरत फरमाए मेरे चाचा भी हैं अब्दुल भाई मदीन शरीफ की अगर कोई यादगार कोई मदीने शरीफ की हर गरी सुहानी और हर गरी यादगार है और बहुत से वाकयात हुए हैं और बहुत से यादगार भी है कि एक दफ़ा मुझे तलब थी कि मैं मदीन शरीफ में मुआज शरीफ के सामने कुछ देर खड़ा होकर दूधा सलाम पेश कर सकूं और रमज़ान शरीफ में काफ़ी रश था लेकिन मुझे इस तमन्ना को हज़ू सलाम ने मेरी पूरी की और मुझे माशाल्लाह काफ़ी देर जो मैंने नियत की थी कि दुरुदे रिजिया शरीफ मैं सत्तर मरतबा जुमे के रोज़ मुआवज शरीफ़ के सामने पढ़ सकूँ इसका मुझे मौका मिला तो ये मुराद मेरी पूरी हुई और दिल में तमन्ना मेरी पूरी हुई जो फौरी फौरी और अल्लाह हमें हर आप, आपके आपके मशवरे से की नीयत की है तो मस्जिद की नीयत वाली साहब के, के लिए की है तो मस्जिद बनाने का मसद ये जहन कहाँ से मिला आपको येन हमें बापा और दावत इस्लामी के तहत ही मिला अमीर एर सुन्नत वाली साहब को जानते थे वाली साहब के नाम पर बापा का दाया पैगाम भी आया था और उसके लिए मुझे कहा गया था बापा ने कि मस्जिद की नीयत करें और ये मस्जिद क़यामत इस साले सवाब के लिए बेहतरीन जरिया है तो इसलिए उसी पर इमरान तारी की कोशिश पर भी हबीब भाई की भी कॉल आई थी जिस पर उन्होंने नीयत करवाई थी कि मस्जिद बनाए तो ये तमाम लोगों की नीयत से ही जहन बना मस्जिद बनाने का बिल्कुल ऐसा ही है जब तक नमाजी नमाज पढ़ते रहेंगे हमें भी सवाब मिलता रहेगा और दावत इस्लामी के तहत अगर मसाजिद बनाए तो उसमें मदरी काफले भी आते हैं सीखने सिखाने का अमल भी होता है जब तक पाक पढ़ाते रहेंगे पढ़ते रहेंगे जब तक नमाजी नमाज पढ़ाते रहेंगे पढ़ते रहेंगे हमें भी सवाब मिलता रहेगा हमारे हाजरीन में से कुछ हमारे जाने वाले मौजूद हैं अल्लाह इनको नजर बस से महफूज फरमाए घर टूटने की सबसे बड़ी वजह क्या है जी सिद्दीक भाई घर टूटने की सबसे बड़ी वजह मोबाइल का बेजा इस्तेमाल है मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, तो देते और जो करने वाले काम है वो नहीं करते कर वक्त कर वक्त हैं अच्छा, फिर सिद्दीक भाई बाज ऐसे भी होता है की बड़े जब मोबाइल कर रहे होते हैं तो देख कर बच्चे भी मोबाइल यूज कर रहे होते हैं फिर आप जब बच्चों को कहेंगे की मोबाइल यूज ना करें फिर आपको रिप्लाई आएगा की आप भी तो मोबाइल यूज करते हैं है जी हमारे हाजरीन में से घर टूटने की सबसे बड़ी वजह क्या है हमें कोशिश करनी चाहिए हलाल की तरफ क्योंकि हमारे कारोबार में आजकल जिस तरह के मसाइल पैदा हो रहे हैं वो रिस्क में जो बरकत नहीं है वो यही वजह है कि हमारा रिस्क हलाल का बहुत ध्यान काम होता जा रहा है तो बस अल्लाह ताला से हमें दुआ करनी चाहिए कि हमें अल्लाह ताला रिस्क हलाल की तोीक फरमाए बिल्कुल है सही, बिल्कुल है सही, सही अल्लाह हमें हलाल रोज़ी कमाने की तोफ़ीक नसीब फरमाए हमारे साथ अनस भाई हैं अगर अनस भाई कुछ कहना चाहें को घर टूटने की एक वजह ये है कि गलत फहमियाँ हो जाती है कि दूसरों की बात पर यकीन कर लेते हैं मतलब कान भर लेते हैं तो जिससे आपस में गलत फहमियाँ हो जाती है भाई बहन तो आपस आप में मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ये टूट जाते हैं बिल्कुल ऐसा ही है, है. यानी पिक्चर के दो रुख होते हैं बाजत ऐसा होता है कि वो पिक्चर का एक रुख देख रहे होते हैं दूसरा रुख नहीं देख रहे होते हैं तो इससे गलत फहमियाँ बढ़ती हैं और और आप हम और आप हम मदनी चैनल के नाजरीन हमारे साथ हमारे कंप्यूटर मौजूद हैं हमारे होंगे सवाल मदनी कंप्यूटर के होंगे जवाब आइए हम मदनी कंप्यूटर की तरफ बढ़ते हैं दावत इस्लामी की मरकजी मजलिस शुरा के निगरान का नाम क्या है आज इमरान निगरानी शुरा कब और कहाँ पैदा हुए निगरान शुरा इमरान अठ जुलाई उन्नीस सौ सत्तर में बुज के रूस में पैदा हुए निगरान शुरा ने पहली मरतबा फैजान सुनत का दर्ज कहाँ सुना में किस तरह आएजिदाफ के निगरान ने दारी की नीयत कैसे की अमीर सुन्नत का शुदा मिट्टी का प्याला हासिल करने के लिए अमीर सुन्नत के ऐलान पर जारी मुबारक की नीयत फरमाई जैली निगरान और अलाकई मदनी काफिला ने, ने। दरस नजामी के कितने दर्जात पढ़े सात दरस नजामी के मखसूस दर्जा किस इधारे से पढ़े जी हमारे साथ मददी कंप्यूटर है इनके तमाम जवाब हैं आइए हम हमारे आमिर भाई की तरफ बढ़ते हैं आइए हम सब मिलकर अमीर सुनत का मशहूर कलाम पढ़ते हैं बोला लो या रसू लल्ला बोला लो हम गरीबों को बोला लो या रसूल्ला पाये शबी रोशक बर्फातिमा है दर वे बुलो फ्रो مدینے मदीने में لو फिर मुझे ए शाह बहरो मदीने में मैं फिर रोता होआ तेरे दर पर मदीने में मैं फिर रोता हुआ आओ तेरे दर पर मदीने में, में खान अल्लाह सुबह खान्ला हमारे साथ हमारे मदरी मुन्ने हैं नारे लगाते हैं हर साहब ये नबी जन्नती जन्नती सब साहब या जन्नती, जन्नती। सिलसिला आप देख रहे थे हम और आप मदरी चैनल के साथ अगर ये सिलसिला आप अपनी फैक्ट्री कंपनी में करवाना चाहते हैं हमारी मदरी चैनल की टीम से जरूर रब्ता करें अल्लाह करीम से दुआ है कि अल्लाह करीम हमारे हाजरीन नाजरीन सबको खैर वाली आफियत वाली ईमान वाली सेहत वाली नेकियो वाली तवील जिंदगी अता फरमाए सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम और आप हम और आप 等你。